जोहार। आज हम लोग दिल्ली और खास करके जंतर मंतर के समक्ष हुड़कुम जाम और कहां कहां कर है किया, झारखंड उड़ीसा और बंगाल का। आज सबसे पहले हमार सब क्रांतिकारी भाई मन के और बहन मन के हमार झारखंड हमार तरफ से झारखंडी जोहार और सबके हम प्रणाम करत हिए। आज कर अध्यक्षता कर रहे करे लागल हैं सीता लोहदार जी और साथ ही संचालन करत हैं सखीचंद महतो जी, इके भी हमार तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार भी है और प्रणाम भी। आई जी जैसन हमनी माय बहन मने ट्रेन से आली है ना खाए खाली है भूखाली नहीं नहीं है नहीं खाए ही लेकिन भूखाए भी नहीं ही। और जब तक से हमनी हुड़कुम कर हुड़का जाम मतलब कि सांसद भवन में हुड़कुर बंद कर रखे जैसे कि हमनी झारखंड में की ही ला हुड़का जाम। हुड़का जाम कर मतलब होवेला संसद भवन कर जे दरवाजा है के से कर दरवाजा के बंद कर रखे। एक ठो कहल जाएला ये हवाओं की सिलसिला है, ये हवाओं की सिलसिला है, अभी तूफान बाकी है। कुर्मी को आदिवासी का आज अगर बिल संसद भवन में नहीं आएगा तो संसद भवन का गेट में हुड़का बंद होगा। आज जिस तरह से खास करके कुर्मियों को छलने का काम किया है, आज जिस तरह से कुर्मी भाई बहनों को और खास करके मैं कहना चाहती हूँ झारखंड में आज 1950 में जब कुर्मी का आदिवासियों की सूची में जब सूची में था तो इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के चलते कुर्मियों को उस सूची से हटा दिया गया और हटाने का काम किया है। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि उन सांसदों को चाहे जिस भी पार्टी को हो और संसद भवन में आज बैठे हुए हैं, संसद भवन में आज वो इन्हीं जनताओं को यही कुर्मी के वोटों से आज अर्जुन मुंडा ने आज केंद्रीय जनजाति का मंत्री हैं, उनको हम लोग चेताना चाहते हैं। आज माताएं बहने ये चेताते हैं कि कुर्मी का कुर्मी को आदिवासी सूची में आप बिल को लाइए और संसद भवन में पास करिए, अन्यथा आपको झारखंड में हम लोग घुसने नहीं देंगे। आप जहां भी जाएंगे हमारी माताएं बहने आपको झारखंड में घुसने नहीं देंगे। साथ ही जितने भी हमारे सांसद है झारखंड में उसको भी आदमी जिंदा को ये मरा हुआ में जलाता है लेकिन हमको हम लोग सब झारखंड में उसको जिंदा में ही उसका पुतला दहन करने का काम करेंगे। बारे सांसद सांसद लोग जो बैठे हुए हैं आज हम लोग की वोट से है, आज माताओं बहनों की वोट से है। आज अगर वोट का आज वो लोग सांसद में बैठे हैं उसका मान सम्मान नहीं रहती है तो हम लोग पार्वती से भी दुर्गा बनने का काम करेंगे। और अभी जो हम लोग का यहाँ प्रशासन का हम लोग को चेतावनी देते हैं कि आपने जो हम लोग को रोकने का काम करते हैं, आपका कितना दिल्ली में आपका ये काम है, आपका कितना जेल है, आप कितना फाटक लगाएंगे, हम लोग सभी फाटक को तोड़ करके और यहाँ जंतर मंतर में अपने चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो हम लोग यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे। आज दिल्ली को प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं कि झारखंड में हम लोग छौआ बांध करके और टांगा फर्सी लेकर के हम लोग वहाँ तैनात
रहते हैं और इस तरह से अभी हम लोग खाली हाथ में हैं। अगर आप नहीं, आप लोग इस तरह से बंदूक दिखाने का काम करेंगे तो हम लोग भी टांगा फर्सी दिखाने का काम करेंगे। और भी है लेकिन अभी आ रहे हैं, चलिए भाषण बहुत रहेगा और हम लोग भाषण देंगे। और पहले फाटक को तोड़ने जो दिख रहा है वो फाटक को भी तोड़ना है दीदी लोग, तो तैयार रहिएगा। यही जन शब्दों का साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए निर्मल महतो अमर रहे, निर्मल महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे, रघुनाथ महतो अमर रहे, शक्ति महतो अमर रहे, रोशन लाल महतो अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। अरे मालिकाना हक से छीन लिया है, ये इसलिए किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि आदिवासी को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में विशेष अधिकार प्राप्त है और वहां पर एक CNTSPT एक कानून लागू हुआ है जो कि आजादी से पहले का लागू है और उस कानून के मुताबिक वहां पर कोई भी जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी आदिवासी का जमीन नहीं ले सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और हमारा मालिकाना हक छीनने के लिए और इन खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए मैं आदिवासी सूची से भाई जबरन बिना दोष का कुणबी समाज को हटा दिया गया, क्योंकि भारत का 40% खनिज संपदा, भारत का 40% खनिज संपदा अकेले कुणबी समाज के जमीन में है। बस यही हमारा दोष है कि ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने हमारे समाज को और जमीन के नीचे हमें उपहार के रूप में 40% खनिज संपदा दिया है और इसी का लूटपाट करने के लिए आज हमें आदिवासी सूची से और हक अधिकार से वंचित किया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, अर्जुन मुंडा जी को मैं यहाँ से फिर से बोलना चाहता हूँ। जब द्रौपदी मुर्मू जी भारत के नंबर वन नागरिक, द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिस दिन पद्मश्री का अवार्ड दे रहे थे, आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो दिन जब राष्ट्रपति महोदय ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने ऑथराइज ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, जब छुटनी महतो को जब उन्होंने अवार्ड दिया तो उन्होंने क्या लिखा? आदिवासी महिला, जब वो आदिवासी महिला है तो भारत सरकार को चुनौती है, अर्जुन मुंडा को चुनौती है और जो भी हमारे विरोध में है उनको भी चुनौती है कि जब भारत का राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब खुद अपने से आदिवासी लिख रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमारा हक अधिकार छीनने वाला? इसलिए आपको चुनौती दे रहे हैं। आज हुड़का जाम इसलिए बुलाया गया है, इस हुड़का जाम का उद्देश्य है कि आपको अगर नींद में है जाग जाओ, वरना ये भारत का जो रोशनी जल रहा है वो हमारे जमीन से निकले हुए कोयले से जल रहा है। परमाणु बम जो बना रहे हैं और यूरेनियम से जो बिजली पैदा करते हैं वो भी हमारे जमीन से निकल रहे हैं। और अगर जितना आप डैम बना है बड़ा बड़ा, आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वो कुर्मी के जमीन में है और जिस दिन कुर्मी उखड़ गया उस दिन सारा भारत अंधेरा में डूब जाएगा। और जो है मजबूर मत कीजिए ऐसा परिस्थिति लाने के लिए, इसलिए आपको चेतावनी देने आया है कि भारत के विकास में कुर्मी समुदाय अपना सर्वस्व बर्बाद करके, त्याग करके, अपना पूरा त्याग कर दिया और अपने जो हक अधिकार था वो उसको ले नहीं पाया, आपने दिया नहीं, बर्बाद कर दिया समाज को और भारत के विकास में अपना जल जंगल जमीन आपने ले लिया उनका और भारत का विकास किए। तो भारत के विकास में अगर कुर्मी संप्रदाय का इतना सहयोग है, हक है और इतना सहयोग दिया है अपने जल जंगल जमीन को खो करके, तो भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ
कि आप मजबूर मत करें हुड़का जाम के लिए, क्योंकि भारत के विकास में अगर सबसे ज्यादा योगदान दिया है तो कुर्म समाज ने दिया है, क्योंकि कोयला हीरा सोना चांदी अवरत सब देश के लिए दिया है, और उसी विकास का को जो है निर्धारित करते हुए आप हमें सम्मान के तौर पर कुर्मी समाज को पुनः आदिवासी सूची में शामिल करें, अन्यथा हुड़का जाम दिल्ली में भी होगा और उड़ीसा बंगाल और झारखंड में भी होगा और त्राहिमाम होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, प्रणाम।